सोनभद्र कांड को लेकर उत्तर प्रदेश में अब योगी बनाम प्रियंका की जंग चल रही है। इस वक्त प्रियंका गांधी मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में है, जहां उन्हें प्रशासन ने रोक रखा है। प्रियंका सोनभद्र जाना चाहती थी और नरसंहार के पीड़ितों से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मिर्जापुर में ही रोक लिया। प्रियंका भी अपनी जिद पर अड़ी है और गेस्ट हाउस के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, उन्होंने कहा है कि वो पीड़ितों से बिना मिले वापस नहीं जाएंगी। एक तरह से योगी सरकार सीधी चुनौती दे रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। वही पहले आपको ये सुनाते हैं, प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के बाहर क्या कुछ कहा है और किस तेवर में कहा है। इस दर्द में चाहे वो कोई भी हो, जब मैं मिर्जापुर पहुंची तो मुझे रोका गया कि आप मिर्जापुर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, कुछ बॉर्डर दिखाइए, कोई धारा होगी, कुछ होगा। मिर्जापुर में उस समय कोई धारा नहीं, सिर्फ सोनभद्र में 144 थी। उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगी, शांतिपूर्वक जाऊंगी तीन लोगों को लेकर। तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई। तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फोन आया, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कोई कागज नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। तो मैं यहाँ इंतजार करूंगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़ितों से, उनके परिवारों से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं नहीं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता काशीनाथ लाइव जुड़ गए हैं। जी काशीनाथ, आपसे जानेंगे जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनभद्र में हुए नरसंहार के बाद पीड़ितों के परिजनों से मिलने नहीं दिया गया है, वही इस पर वो धरने पर बैठ गई हैं, जिद पर अड़ गई हैं। इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कलेवर भी दिया जा रहा है, जिस तरह से सियासत तेज हो गई है, क्या लगता है आपको, बीजेपी अपनी छवि को बचा पाएगी जिस तरह से कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपने तेवर में आई है और बीजेपी को अपना रौद्र रूप दिखा रही है, और इसके पीछे कारण है सोनभद्र की जो घटना हुई है, जो नरसंहार हुआ है वो। क्योंकि कल ही जब अजय राय ट्रामा सेंटर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ने उन्हें निर्देश दिया है कि जा करके जो घायल है उनसे मिलने के लिए, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए, तो ऐसे में ही ये समझ आ गया कि प्रियंका गांधी यहाँ पर बनारस आ सकती है। और आज आई के बाद जब वो नारायणपुर पहुंची थी ट्रामा सेंटर, परिजनों से मिलने का हाल चल लेने के बाद जब वो नारायणपुर होते हुए सोनभद्र जा रही थी, तो उन्हें वहां पर रोक दिया गया और कानून का हवाला दिया गया कि धारा 144 लगी हुई। फिर प्रियंका गांधी वहीं धरने पर बैठ जाती है और धरने पर बैठने के बाद प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया जाता है और चुनार गेस्ट हाउस में उनको ले जाया जाता है, जहाँ पर वो अभी भी धरने पर बैठी हुई है। उनका कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का नियम कानून नहीं बताया गया, उन्हें कहा गया कि धारा 144 लागू है। उनका ये भी कहना है कि वो मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में उन्होंने बोला भी कि मैं कोई किसी धारा का उल्लंघन नहीं करूं, मैं शांतिपूर्वक पहुंच जाऊंगी और लोगों से मिलकर के हालचाल लेकर चले जाऊंगी। फिलहाल प्रियंका गांधी ये कहना है कि वो जब तक उनके परिजनों से, घायलों से मुलाकात नहीं कर लेती हैं, सारा हाल नहीं जान लेती हैं, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी, बिना मिले वो नहीं जाएंगी, और जो जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो उनको दिखाया जाए, उस हिसाब से फिर वो काम करेंगी, और उनका दावा है कि वो कानून का उल्लंघन नहीं करेंगी। जी काशीनाथ, अगर एक सहानुभूति के तौर पर देखा जाए तो किसी घटना के बाद अगर कोई मंत्री या नेता सहानुभूति के लिए पहुंचता है और उसे अगर बिना किसी ऑर्डर के अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत साबित करता है। राजनीतिक फायदा उठाने का ये समय एक तरह से प्रियंका गांधी को लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार चुनाव के बाद कांग्रेस शांत थी और अब जो है इनको मुद्दा मिल गया है एक और उसको उठाने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, लिहाजा उनको इससे बड़ा मुद्दा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और इसी मुद्दे के तौर पर वो उत्तर प्रदेश शासन की जो कानून व्यवस्था है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती है, और इससे कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को रोका गया है, कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि इस धरने को आगे बढ़ाए और पूरे प्रदेश में मुद्दे को लेकर के वो धरना दे। जी काशीनाथ, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।